तो मैं प्रेम शुक्ला एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने ही गार्डनिंग चैनल माई गार्डन व्यू पर। दोस्तों आज मैं आप लोग को अपने ये प्लूमेरिया या जिसको चंपा कहते हैं उसका प्लांट दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये पहली बार फ्लावरिंग इसमें हुई है, इसको देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों प्लूमेरिया या चंपा कम से कम 8 महीने तो फ्लावरिंग देता ही है, और ये एक्चुअली आप लोग समझ लीजिए जब थोड़ा तेज़ ठंडी पड़ती है उसी समय इसकी फ्लावरिंग बंद हो जाती है, वरना ये आपके पूरी गर्मी भर अक्टूबर तक यानी मार्च से शुरू करके अक्टूबर तक इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। तो दोस्तों इसको बहुत ही आराम से आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये आप देखिए इसकी ये स्टेम है। आप किसी मैच्योर प्लांट अगर आपको चंपा का आपको दिखाई दे तो वहाँ की एक इस तरह के टहनी काट करके ले आइए, और यहाँ से इसको कट करके और कुछ दिनों के लिए यूं ही ऐसे ही छोड़ दीजिए। 3-4 दिन के बाद एक्चुअल दोस्तों जब आप इसमें कटिंग करेंगे तो इसमें एक वाइट रंग का सैप निकलता है, तो वो सैप सूख जाना चाहिए जिससे कि उसमें फंगस वगैरह लगने के कोई चांस न रहे। थोड़ा आप उसमें कोई जहाँ पे आपने कट किया है वहाँ पे कोई फंगिसाइड लगा दें या थोड़ा हल्दी लगा दें, उससे भी फंगस लगने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और दोस्तों ये प्लूमेरिया या चंपा बहुत कम केयरिंग डिमांड करता है और ज़्यादा वाटरिंग इसको नहीं चाहिए, क्योंकि इसके जो स्टेम होते हैं उसमें ऑलरेडी पानी भरा होता है। तो दोस्तों ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों मेरे पास कई वैरायटी के चंपा के प्लांट हैं और उसमें ये वाला जो है ये पहली बार फ्लावरिंग इसने दिया है, इसलिए मुझे बड़ा ही खूबसूरत लगा। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये चंपा का प्लांट कैसा लगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे अदर वीडियोस बराबर देखने को मिलते रहें। दोस्तों इसकी पोटिंग मिक्स की बात की जाए तो इसकी नॉर्मल पोटिंग मिक्स है, ज़्यादा इसमें कोई थोड़ा गोबर की सड़ी हुई पुरानी खाद आप मिला सकते हैं, और ज़मीन में तो ये काफ़ी पेड़ जैसा बन जाता है। आप गमले में इसको लगाइए, गमले में ही फ्लावरिंग करेगा, बहुत ही अच्छा प्लांट है। दोस्तों आप इसको लगाइए, इसकी पत्तियां भी बहुत ही खूबसूरत होती हैं, और इसका दोस्तों इसकी पत्तियों के मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं, तो किस पर किसी समय बाद में चर्चा करेंगे कि इसकी क्या मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं। आज फ़िलहाल इतना ही, तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों, टेक केयर, गुड डे।